2022 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2013 का मॉडल, 28 टैक्स, 28 तक टैक्स पे, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2021 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर 21 का, 21 का गाड़ी है, 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2020 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 53,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, 2021 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये सेवन सीटर में है ना? सेवन सीटर, सेवन सीटर में जाइलो, कौन सा मॉडल है? ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में रीफाइनेंस हो जाएगा यहाँ से। तो आज हम लोग आ चुके हैं फालाकाटा में एक और डीलर के पास, जहाँ पे आपको बाइक के साथ साथ फोर व्हीलर का भी ऑप्शन मिलता है। एक ही जगह पे आपको बाइक भी मिलेगा, फोर व्हीलर भी मिलेगा, और ये डीलर भी नया है, हाल ही में ओपन हुआ है ये शोरूम, फ्रेंडशिप कार बाजार जो है फालाकाटा में। अगर आप लोग फालाकाटा के अंदर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो गाड़ी मिलेगा, मतलब फोर व्हीलर मिलेगा, बाइक ढूंढ रहे हैं तो बाइक मिलेगा। मिलते हैं शोरूम के ओनर से, लेते हैं पूरी जानकारी, क्या डिटेल्स है, पीछे और भी स्टॉक है, पीछे आ जाओ, पीछे जो स्टॉक है वो दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बाइक भी काफी सारा है यहाँ पे, गाड़ियां भी है। और हमारे साथ है संजीव दा, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है। तो सबसे पहले ऑडियंस को शोरूम का लोकेशन बता दीजिए, कहाँ पे है? फालाकाटा मिल रोड, पेट्रोल पंप के बाजू। अच्छा अच्छा, फालाकाटा जो मिल रोड है पेट्रोल पंप के पास ही है ये फ्रेंडशिप कार बाजार, जो कोचबिहार रोड है वहां पे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो शुरू करते हैं पहले डियो से, क्या डिटेल से दादा इसका, कौन सा मॉडल? 2018 का गाड़ी है, 2018 का मॉडल, सेकंड ओनर गाड़ी है। अच्छा, सेकंड ओनर है 2018 का। कितना प्राइस है? प्राइस 45,000 आस्किंग प्राइस है ये। उसके बाद एसपी 125 दिखाओ यहाँ पे, क्या डिटेल है एसपी का? 2022 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर 22 का, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 75,000 75,000 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, एसपी 125 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप माइलेज वाला बाइक ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एसपी 125 मिल जाएगा, और भी माइलेज सेक्शन में बाइक है। 75,000 आस्किंग प्राइस है, और नेगोशिएबल हो जाएगा ना, ऑन टेबल हो जाएगा। अच्छा, ऑन टेबल नेगोशिएबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R15 2021 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर 21 का, 21 का गाड़ी है। अच्छा, और कितना प्राइस है इसका? 145, 1,45,000 में मिल जाएगा आपको R15 वर्शन 3 21 का मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी। उसके बाद एक्सपल्स 200 2021 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, प्राइस 1,25,000 में 2000, ये कौन सा मॉडल है? 21 का गाड़ी, 21 का गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1,25,000 में। उसके बाद सुपर स्प्लेंडर, क्या 2019 का गाड़ी है, 19 फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कंडीशन में है, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2019 का गाड़ी है। अच्छा, कितना प्राइस है? 65,000 सिर्फ आस्किंग प्राइस है। 19 का सुपर स्प्लेंडर, फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस शोरूम पे किसी भी बाइक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे संजीव दा का नंबर आ रहा होगा, कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो बाहर भी दो बाइक अभी भी है वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद चलेंगे फोर व्हीलर में। फोर व्हीलर में काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एनफील्ड 350 क्लासिक, कौन सा मॉडल है? 2020 का गाड़ी है, 2020 का गाड़ी, इसका गाड़ी है, टिप टर्न कंडीशन में है। हाँ, और कितना प्राइस है? प्राइस रखा हुआ है 1,60,000 में आपको 20 का 350 क्लासिक मिल जाएगा। कितना चला यहाँ पे? 33,000 करीब ये किलोमीटर चला हुआ है। और आज की जो आखिरी बाइक है यहाँ पे, बाइक में प्लाटिना, क्या डिटेल से पाटी? 2016 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 16 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बढ़िया कंडीशन में, कंडीशन में है। और क्या प्राइस है इसका? प्राइस 40,000 रुपया रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 आस्किंग प्राइस है यहाँ पे। प्लाटिना ये 100 में है ना, 100 में प्लाटिना, 100 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 16 का। तो बाइक जो भी था फ्रेंडशिप कार बाजार में हमने आपको दिखा दिया, अभी चलते हैं फोर व्हीलर में। तो यहाँ पे सबसे पहले इको, कौन सा मॉडल है इको का? 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2020 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 53,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 53,000 किलोमीटर चला है। टैक्स कहाँ तक पेड है इसका? टैक्स 25 में टैक्स है, 25 तक टैक्स है। अच्छा, और क्या दो महीने के बाद 25, मतलब एक महीने के बाद 24 तो जाएगा, फिर 25 आएगा, 25 के बाद क्या टैक्स आप लोग अपडेट करके देंगे या फिर? अपडेट करके देंगे। अच्छा, टैक्स अपडेट करके देंगे आप लोग, ओके। तो टैक्स आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा, 25 तो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसके बाद टैक्स आपको अपडेट करके दिया जाएगा। कितना प्राइस रखा है? 3,75,000
375,000 में आपको मिल जाएगा 2020 का फर्स्ट ओनर इको, यहाँ पे 53,000 सिर्फ ड्रिवन कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, टायर कंडीशन यहाँ पे दिखाओ, और स्टेपनी का क्या कंडीशन है? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, यहाँ पे कंडीशन आप लोग देख सकते हैं जो भी आपके सामने है। अगर आपको इको नहीं चाहिए, ऑल्टो चाहिए अंडर बजट में माइलेज सेक्शन में, तो यहाँ पे ऑल्टो 800 कौन सा मॉडल है? 2013 का मॉडल, 28 टैक्स, 28 तक टैक्स पे, गाड़ी बहुत बढ़िया, एकदम टिप टॉप कंडीशन में है, कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इंटीरियर दिखाओ, इंटीरियर भी आप लोग देख सकते हैं। और क्या प्राइस है इसका ऑल्टो का? 1,60,000, 1,60,000 में मिल जाएगा, कौन सा मॉडल? 2013 का 28 टैक्स, 13 का मॉडल, 28 तक फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको इस शोरूम में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दादा का नंबर आ रहा होगा, कॉल करो, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, और ये प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा ऑन टेबल, हो जाएगा आओ ऑन टेबल। और रिफाइनेंस क्या अवेलेबल है? अवेलेबल है, कौन कौन सी एरिया के अंदर करते हैं? कौन कौन सी? ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में आपको रिफाइनेंस फैसिलिटी मिल जाएगा यहाँ पे फ्रेंडशिप कार बाजार में। तो स्टॉक आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। अभी चलते हैं एक और ऑल्टो की तरफ, क्या डिटेल्स ऑल्टो का? 10 का गाड़ी है, 10 का गाड़ी, 10 का गाड़ी है, अच्छा ऑल्टो, 25 में टैक्स है, 25 तक टैक्स पे, 2010 का ऑल्टो आपको यहाँ पे, टॉप कंडीशन में, टायर भी बढ़िया है, टायर कंडीशन भी यहाँ पे बढ़िया कंडीशन में। और कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 110,000, 110,000 ऑल्टो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रेंडशिप कार बाजार में। उसके बाद चलते हैं जाइलो की तरफ, ये 7 सीटर में है ना, 7 सीटर, 7 सीटर में जाइलो, कौन सा मॉडल है? 2012 का गाड़ी, 27 टैक्स, 12 का गाड़ी, 27 तक टैक्स पे, 27 तक टैक्स, टिप टॉप कंडीशन में है। कितना चला होगा लगभग ये गाड़ी? 1,00,000 चला हुआ है, 1,00,000 किलोमीटर के करीब ये चला हुआ है, 12 का मॉडल तो इतना तो चलेगा ही। और इंटीरियर दिखाओ यहाँ पे, ये पेट्रोल में डीजल में है? डीजल में है, डीजल, अच्छा ये गाड़ी है डीजल में, 7 सीटर, इंटीरियर भी आप लोग देख सकते हैं सही कंडीशन में है, ये सेल पर है फ्रेंडशिप कार बाजार में। और कितना प्राइस रखा है इसका? 2,70,000 रुपए प्राइस रखे हैं, आने से कुछ हो जाएगा, हो जाएगा ऑन टेबल नेगोशिएबल हो जाएगा, 2,70,000 इसका आस्किंग प्राइस है, कंडीशन आपके सामने ही है भाई, जो भी है ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में रिफाइनेंस हो जाएगा यहाँ से, अवेलेबल है। और ओनरशिप चेंजेस का क्या मसला है? ओनरशिप क्या आप लोग करवा के देंगे या फिर जो कस्टमर रहेगा कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा? ओनरशिप हम लोग करवा के देंगे, कस्टमर को पे करना पड़ेगा जो अमाउंट लगता है, वो कस्टमर को करना पड़ेगा। अच्छा वो बाइक में भी यही सेम कंडीशन है दोनों में, आपको जो अमाउंट लगता है वो देना पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी भाई लोग का है, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो आज की जो आखिरी गाड़ी है यहाँ पे होंडा की एमएज, 2016 का गाड़ी है, अच्छा 16 की टैक्स, 26 तक टैक्स पे, टैक्स पे, अच्छा ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी है? सेकंड ओनर गाड़ी है, अच्छा ये सेकंड ओनर गाड़ी है। और क्या प्राइस रखा है इसका दादा? की लगे 60,000 रुपया, 2,60,000 में आपको मिल जाएगा 16 की एमएज, 16 की एमएज, अच्छा। और ये पेट्रोल में डीजल? पेट्रोल में, पेट्रोल ये वाला है, पेट्रोल में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, कंडीशन गाड़ी है, जो भी कंडीशन है आपके सामने ही है भाई, कुछ छिपा हुआ नहीं है। अगर आप इस शोरूम पे किसी भी बाइक के बारे में गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो दादा से बात कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएगा, या फिर आप शोरूम पे आओ गाड़ी चलाओ, या फिर बाइक लेना चाहते हो बाइक चला के देखो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी यहाँ से परचेस करो, ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस जाए वगैरह वगैरह, गाड़ी का कंडीशन खराब है, आओ सामने, अगर आपको चाहिए तो आओ चलाओ, फिर आप यहाँ से ले जा सकते हैं फ्रेंडशिप कार बाजार से। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज आपको ये डील कैसा लगा, फ्रेंडशिप कार बाजार जो है फालाकाटा मिल रोड में, मिल रोड पेट्रोल पंप के पास ही है फ्रेंडशिप कार बाजार। तो ये हाल ही में ओपन हुआ है ये वाला शोरूम, तो हमने आपको दिखा दिया तो यहाँ पे क्या स्टॉक है, फिलहाल इतना ही स्टॉक है, लेकिन बहुत ही जल्द इससे कई ज्यादा स्टॉक के साथ एक और वीडियो आने वाला है अपने चैनल पे। तो वीडियो कैसा लगा, स्टॉक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।